नमस्कार, स्वागत है आपका अपने प्यारे YouTube चैनल में। आज हम आप लोगों को पढ़ाने जा रहे हैं SSC CGL के क्वेश्चन। हम लोग सॉल्व करा रहे थे और SSC CGL के क्वेश्चन में आज क्वेश्चन नंबर 34 का नंबर था। और चलिए क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं। SSC के जितने भी क्वेश्चन CGL 2020 के हैं वो आप लोगों को सॉल्व कराए जा रहे हैं। जिन लोगों को नहीं मालूम है वो जा कर के प्लेलिस्ट भी मैंने बना दी है SSC CGL 2020 के नाम से, ठीक है ना, जिसमें मैंने सारे इंग्लिश के जितने भी क्वेश्चन हैं वो मैंने करा दिए हैं। आप लोग जा करके उसे ज़रूर 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 देख लें। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बता दूं कि क्वेश्चन नंबर 34 में स्टार्ट करने जा रहा हूं। और इसमें देखिए क्या दिया गया है, मिस्टर राव। मिस्टर राव सेंटेंस में सब्जेक्ट का काम कर रहा है और आस्क्ड क्या है, वर्ब है। मिस्टर राव ने कहा, द आस्क्ड का मतलब पूछना और कहना दोनों होता है। मिस्टर राव आस्क्ड जो है वो आस्क की सेकेंड फॉर्म, यानी कि मिस्टर राव जो है वो सब्जेक्ट हो गया और आस्क्ड क्या हो गई, वर्ब हो गई। द न्यू कमर आगंतुक, जो नए आते हैं, टू हिज ऑफिस, जैसे ऑफिस में कोई किसी की नई नई ज्वाइनिंग हुई उन्हें हम न्यू कमर बोलेंगे, ठीक है ना। चलिए, इफ़ ही विल माइंडेड वर्किंग लेट दैट डे। एक बात देखिएगा, इफ़ के बाद ही लिखा हुआ है, ही के बाद लिखा हुआ है विल। सेंटेंस जो है वो पास्ट में है क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है आस्क्ड, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए आपका, उड होना चाहिए। यहाँ पे क्या होना चाहिए, उड, और उड के बाद आएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यहाँ पे होना चाहिए माइंड, यहाँ पे होना चाहिए माइंड, तो होना चाहिए ही उड माइंड वर्किंग। और माइंड के बाद हमने बताया है वर्ब की आईएनजी फॉर्म यूज होती है। अभी हमने कल बताया था आप लोगों को कि कुछ वर्ब ऐसी होती हैं जिनके बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म का हम यूज़ करते हैं, तो यहाँ पे माइंड के बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म का यूज हो रहा है, यानी कि चीज़ें सही लिखी गई हैं। लेट, लेट हमने बताया था, लेट एक एडजेक्टिव भी होता है, लेट, ठीक है ना। दैट डे, दैट के बाद जो डे लिखा हुआ है, दैट के बाद आने वाला जो नाउन होता है वो दिस दैट के बाद सिंगुलर नाउन का यूज होता है, इसलिए यहाँ पे सिंगुलर नाउन का यूज हुआ है। अगर दीज और दोज होता तो हम डेज लिखते, ठीक है। बात क्लियर समझ में आ गई आप लोगों को। यहाँ पे होना क्या चाहिए, वुड माइंड। हमने बताया माइंड के बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म का यूज होता है। देखिए, अगर आपको नहीं मालूम है तो यहीं पे आपको गलती लगने लगेगी कि माइंड वर्ग, माइंडेड वर्किंग, यानी कि माइंडेड भी वर्ग और वर्किंग भी वर्ग, आपको लगेगा कि यहीं बस करो गलती है ना। चलिए हम इसमें देखते हैं कि हमें क्या सीख सकते हैं, कि कौन कौन से वर्ड होते हैं जिनके बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म का यूज होता है। तो आप लोग लिखिएगा, इन्जॉय, हमने कई बार बताया है इन्जॉय, ठीक। इन्जॉय के बाद लिखिएगा आप लोग माइंड, माइंड बिजी, कॉमा लगाते जा रहे हैं हम, बिजी, रिस्क, ठीक है, और हेट, डिटेस्ट, डिसलाइक, डिनाई, एवॉइड, पोस्टपोन, पोस्टपोन, इनके बाद, और मिस, कल अपनी हमने बताया था आप लोगों को मिस, इनके बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, आईएनजी फॉर्म का यूज होता है। यानी कि वर्ब ऐसी होती हैं जिनके बाद अगर हम वर्ब आती है तो उसकी आईएनजी फॉर्म का यूज होता है। चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। दैट डे हमने बताया कि दिस और दैट के बाद आने वाला नाउन सिंगुलर होता है। यहाँ पे डे लिखा हुआ है, अगर दीज और दोज होता तो यहाँ पे डेज लिखा होता। बात क्लियर हो गई। अच्छा, यहाँ वुड माइंड होगा, यहाँ सही क्या होगा, वुड माइंड, क्योंकि विल या वुड मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब होती है और मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का हम यूज करते हैं, ठीक है ना। बात क्लियर हो गई। क्वेश्चन नंबर 35 अगर हम देखें तो बातें देखिएगा ध्यान से। रमन वेंट विद हिज वाइफ, रमन अपनी वाइफ के साथ गया, टू हिज विलेज, विलेज को गया। रमन कहाँ गया, अपनी वाइफ के साथ, अपनी पत्नी के साथ कहाँ गया, विलेज गया, गांव गया। टू सोल्ड, अब एक बात देखिएगा, रमन सेंटेंस में किसका काम कर रहा है, सेंटेंस में आप बोलोगे सर रमन सब्जेक्ट का काम कर रहा है। वेंट क्या है, वर्ब की सेकेंड फॉर्म यानी कि वर्ब है, और ये हो गया ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट हो गया यहाँ विद हिज वाइफ टू हिज विलेज। फिर ये टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इन्फिनिटिव होता है, तो हमें देखना पड़ेगा टू के बाद सोल्ड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है कि नहीं है। तो आप लोग देखेंगे सेल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, सोल्ड जो है वो थर्ड फॉर्म, सेकेंड फॉर्म होती है, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए आपका, सेल होना चाहिए, यहाँ पर क्या होना चाहिए आपका, सेल, यहाँ पे क्या होगा आपका, सेल देयर लैंड होगा, ठीक। अब एक बात देखिए, वो अपने गांव गए हैं अपनी वाइफ के साथ, और क्या बेचने के लिए गए हैं,
लैंड को, अपनी ज़मीन को बेचने के लिए, ठीक है। देयर लैंड क्यों लिखा हुआ है? क्योंकि ज़मीन जो है वो उनकी और उनकी वाइफ की, वो उन दोनों की बात कर रहा है, इसलिए यहाँ पर देयर लैंड लिखा हुआ, नहीं तो हिज या हर लैंड भी लिखा जा सकता था। लेकिन यहाँ पे देयर क्यों कह रहा है? क्योंकि वो अपनी पत्नी के साथ गया और वो दोनों की ज़मीन है, ऐसा मान सकते हैं हम, तो वहाँ पे हम देयर लैंड का यूज़ किए हैं। दूसरी बात, आप लोग एक बात देखिएगा, सेल सेल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है ना, ठीक है, सेल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। छोटा सा बच्चा सा क्वेश्चन था, ठीक, जो हमारा कंप्लीट हो गया। इसमें और कोई बहुत ज़्यादा बताने वाली चीज़ें नहीं हैं। और नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36, मिथिला आर्ट ट्रेडिशन। देखिएगा 36 क्वेश्चन देखिएगा, सेंटेंस लिखा हुआ है मिथिला आर्ट ट्रेडिशन। ये सेंटेंस में किसका काम कर रहा है? सब्जेक्ट का काम कर रहा है। इज पास्ड ऑन, अभी हम बताएंगे पास ऑन पास अवे इन सब का मतलब क्या होता है, ठीक है। इज पास्ड ऑन फ्रॉम वन जनरेशन थ्रू ए नेक्स्ट, इज के बाद पास्ड लिखा हुआ है, इज के बाद क्या लिखा हुआ है? पास्ड लिखा हुआ है, उसके बाद लिखा हुआ है ऑन, पास्ड ऑन फ्रॉम नेक्स्ट जनरेशन। फ्रॉम के साथ हम किसका यूज करते हैं? देखिए फ्रॉम के साथ हम थ्रू का नहीं यूज करते हैं, फ्रॉम के साथ हम किसका यूज करते हैं? टू का यूज करते हैं। फ्रॉम के साथ किसका यूज करते हैं? हम टू का, यहाँ थ्रू नहीं होगा, टू होगा। फ्रॉम के साथ हम टू का यूज करते हैं, बोथ बिटवीन के साथ एंड का यूज करते हैं, हार्डली स्कार्सली के साथ वैन का यूज करते हैं, ठीक है ना। चलिए बातें क्लियर हो गई कि यहाँ पे फ्रॉम वन जनरेशन टू ए नेक्स्ट होगा, फ्रॉम वन जनरेशन, फ्रॉम वन जनरेशन टू होगा आगे, क्योंकि फ्रॉम के साथ हम टू लगाते हैं, ठीक है। हाँ, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक के लिए हम फ्रॉम के साथ टू का यूज करते हैं, फ्रॉम दिल्ली टू मुंबई, दिल्ली से लेकर मुंबई तक, ठीक है ना। बाई चिल्ड्रेन, उसके बाद लिखा हुआ है वॉचिंग एंड हेल्पिंग देयर, ठीक, वॉचिंग एंड हेल्पिंग देयर मदर्स एंड ग्रैंड मदर्स, ठीक है ना। चलिए बातें क्लियर हो गई इतनी, अब देखते हैं, चलिए देखते हैं हम। फ्रॉम के साथ हमने टीस का यूज़ किया, टू का यूज़ किया, और अब हम इसमें क्या देखेंगे? अब हम ढेर सारी चीज़ें देखते भी हैं। पास ऑन, आगे की तरफ फॉरवर्ड होने के लिए हम पास ऑन का भी यूज़ करते हैं। एक पास ऑन और होता है, वो भी मैं बताता चलता हूँ आप लोगों को जल्दी से, ठीक है। अब हम पास से रिलेटेड फ्रेजल वर्ब देखेंगे, देखिए क्या होगा पास से रिलेटेड फ्रेजल वर्ब। एक होता है पास ऑन, पास ऑन, और एक पास ऑन का मतलब एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में पास ऑन हो रही है, आगे बढ़ रही है, उसके लिए यूज होता है। दूसरा पास ऑन क्या होता है, ध्यान से देखिएगा, पास ऑन का मतलब होता है मर जाना, और पास अवे का भी मतलब होता है मर जाना। किसी प्रसिद्ध व्यक्ति कोई अगर एक्सपायर हो जाता है तो उसके लिए हम पास अवे का यूज़ करते हैं। इन दोनों का मतलब क्या होता है? मर जाना होता है, ठीक है। एक होता है पास थ्रू, OUGH, पास थ्रू। पास थ्रू का मतलब होता है समस्या से होकर गुजरना, इसके लिए हम किसका यूज़ करते हैं? पास थ्रू का यूज़ करते हैं। तो पास थ्रू का मतलब क्या हो जाएगा? समस्या से होकर के गुजरना, ठीक है ना। पास थ्रू के बाद हम आते हैं पास और आउट। पास आउट का मतलब एक बेहोश होना भी होता है, ठीक, पास आउट का मतलब बेहोश होना भी होता है, ठीक है ना। और इतनी चीज़ें क्लियर हो गई, चलिए बातें अच्छे से समझ में आ रही हैं आप लोगों को। हम नेक्स्ट देखते हैं और कुछ चीज़ें इस क्वेश्चन में जो बतानी थी। हमने बताया था कि फ्रॉम के साथ किसका यूज करते हैं, यहाँ पे थ्रू का यूज नहीं करेंगे, फ्रॉम के साथ हम टू का यूज करेंगे, ठीक है। कौन कौन से वर्ड हैं जिनके साथ हम एक पेयर कंजंक्शन हम आप लोगों को ढेर सारे बताते चलते हैं कि फ्रॉम के साथ किसका यूज करते हैं, किस चीज़ किसके साथ किसका यूज करते हैं। ये देखिएगा, फ्रॉम के साथ हम किसका यूज करते हैं? टू का यूज करते हैं। नो सूनर के साथ किसका यूज करते हैं? देन का यूज करते हैं, हमने कल बताया था। हार्डली, स्कार्सली, ठीक, इसके साथ किसका यूज करते हैं? हार्डली स्कार्सली के साथ किसका यूज करते हैं? वैन का यूज करते हैं, ठीक है ना। हार्डली स्कार्सली के साथ किसका यूज हुआ? वैन का यूज हुआ। और आप लोगों को बता दें, आइदर आर, नाइदर आर, नॉट ओनली बट अल्सो, ये सब तो आप लोग जानते होंगे, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ये हमने बता दिया, ठीक है ना। चलिए ये पेयर कंजंक्शन हो गए जो एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो इनको बोथ और बिटवीन के साथ एंड का यूज करते हैं। बोथ या बिटवीन,
बिटवीन, इनके साथ किसका यूज करते हैं, एंड का यूज करते हैं, फ्रॉम के साथ टू का यूज करते हैं, जैसे फ्रॉम दिल्ली टू मुंबई, ठीक, फ्रॉम दिल्ली टू मुंबई, ठीक, बिटवीन या बोथ राम एंड श्याम, अगर हम इसकी बात करें तो क्या लिखेंगे, बोथ राम एंड श्याम, बोथ राम एंड श्याम, यानी कि बोथ के साथ हमने किसका यूज किया, श्याम का, बोथ के साथ हमने किसका यूज किया, एंड का यूज किया। बातें क्लियर हो गई इतनी, बहुत अच्छी बात, बातें सारी चीज़ें आप लोगों की क्लियर हो जा रही हैं। चलिए, चाइल्ड जो है वो सिंगुलर होता है और चिल्ड्रन जो होता है वो प्लूरल होता है, ठीक। आगे देखते हैं हम, द कमिटी एग्रीड दैट स्मॉल बिजनेसेस हैव, होना चाहिए ना, चलिए मुँह से निकल ही गया, स्मॉल बिजनेसेस हैज़ बीन एडवर्सली अफेक्टेड बाई कोविड-19। यहाँ पे एक बात देखिए क्या होगा, अब देखिए द कमेटी, सेंटेंस में द कमेटी सब्जेक्ट का काम कर रहा है और एग्रीड जो है वो वर्ब का काम कर रही है। द कमेटी सेंटेंस में क्या है, सब्जेक्ट, और एग्रीड क्या है, वर्ब, ठीक। दैट, दैट का मतलब सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है, क्यों, कमेटी एग्री हुई कि, दैट का मतलब जब कि निकलेगा तो ये सबऑर्डिनेट कंजंक्शन होगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, यहाँ पर द स्मॉल बिजनेसेज हैज़ बीन एडवर्सली अफेक्टेड बाई कोविड-19, ठीक। तो यहाँ पहली बात इसी पार्ट में गलती है, बिजनेस के अकॉर्डिंग यहाँ हैव होना चाहिए। आगे हमने इसके पहले भी देखा कि एग्रीड, सहमत हुई, ठीक है, ये पास्ट में है तो यहाँ वाला सेंटेंस भी क्या होगा, पास्ट में होगा। दूसरी बात देखते हैं, अफेक्टेड, अफेक्ट का मतलब प्रभावित करना होता है, अफेक्ट और इफेक्ट से रिलेटेड हम कई चीज़ें आज आप लोगों को बताएंगे। चलिए देखते हैं, ध्यानपूर्वक देखिएगा आप लोग, अफेक्ट जो होती है वो वर्ब होती है, हमने कई बार बताया, ये एग्जाम में पूछा गया है। पहले हम इफेक्ट के बारे में चर्चा कर लेते हैं, इफेक्ट क्या है, तो इफेक्ट नाउन भी होता है, ठीक है, और इफेक्ट जो है वो वर्ब भी होती है। तो जब इफेक्ट नाउन होता है तो इसका मतलब क्या होता है, जब इफेक्ट नाउन होता है तो इसका मतलब होता है प्रभाव, इसका मतलब क्या होता है, प्रभाव, ठीक, और जब इफेक्ट वर्ब होती है इसका मतलब होता है परिवर्तन लाना, ठीक है, बात क्लियर हो गई। अब हम आते हैं अफेक्ट पर, अब हम आते हैं किस पर, अफेक्ट पर, अफेक्ट जो होती है वो सिर्फ और सिर्फ वर्ब होती है और जिसका मतलब होता है प्रभाव डालना, यानी कि प्रभाव डालने के लिए हम किसका यूज करते हैं, अफेक्ट का यूज करते हैं, ना कि इफेक्ट का। इफेक्ट जब भी वर्ब होती है तो इसका मतलब परिवर्तन लाना होगा, ठीक है ना, बातें क्लियर हो गई आप लोगों को, अच्छे से समझ में आ रही हैं। चलिए अफेक्ट मैं लिख देता हूँ इसे हिंदी में भी, अफेक्ट का मतलब होता है प्रभाव डालना, अफेक्ट का मतलब क्या होता है, प्रभाव डालना। यहाँ पे अफेक्टेड लिखा हुआ है ना कि इफेक्टेड लिखा हुआ है, ठीक है ना, क्वेश्चन में अफेक्टेड लिखा हुआ है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे अफेक्टेड बाई कोविड-19, इफेक्टेड बाई कोविड-19 नहीं, क्यों, क्योंकि इफेक्ट का मतलब, तो अगर इफेक्टेड लिख गया मतलब परिवर्तन लाया गया कोविड-19 के द्वारा, नहीं, अफेक्टेड बाई कोविड-19 का मतलब प्रभावित हुआ कोविड-19 से, ठीक है, यानी कमेटी जो है वो एग्री हुई कि स्मॉल बिजनेस जो है वो बुरी तरह से प्रभावित हुए हैं कोविड-19 से। क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ चलते हैं, और 38 क्वेश्चन देखिएगा है क्या, द फूड इन न्यू ईटरी, सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है, द फूड इन न्यू ईटरी में, ये जो प्रीपोजिशन के पहले लिखा हुआ है द फूड, ये सेंटेंस में सब्जेक्ट है और फूड के अकॉर्डिंग आया है इज, फूड के अकॉर्डिंग आया है इज, इज मच बेस्ट देन, हमने बताया है कि मच के बाद, अभी अभी हमने बताया था कि मच के बाद कंपेरेटिव डिग्री का एडजेक्टिव यूज होता है, तो यहाँ पे तो मच बेटर होना चाहिए, मच बेस्ट नहीं होना चाहिए, हमने बताया था मच गुड नहीं होता है ना। वेरी के साथ पॉजिटिव डिग्री का एडजेक्टिव यूज होता है, जबकि मच के साथ कंपेरेटिव डिग्री के एडजेक्टिव का यूज करते हैं, ये लिखते चलिए आप लोग, वेरी के साथ पॉजिटिव डिग्री के एडजेक्टिव का यूज होता है, जबकि मच के साथ हम किसका यूज करते हैं, कंपेरेटिव डिग्री के। एरर इसी पार्ट में है, होना क्या चाहिए आपका, ध्यान दीजिएगा, मच के बाद कंपेरेटिव डिग्री का एडजेक्टिव यूज करेंगे और कंपेरेटिव डिग्री का एडजेक्टिव यूज करने के कारण यहाँ बेस्ट ना हो करके बेटर होगा,
क्योंकि गुड बेटर बेस्ट होता है, गुड पॉजिटिव डिग्री का एडजेक्टिव होता है, बेटर कंपैरेटिव डिग्री का एडजेक्टिव होता है, और बेस्ट सुपरलेटिव डिग्री का एडजेक्टिव होता है। मच के बाद कंपैरेटिव डिग्री के एडजेक्टिव का यूज होता है, ऐसा ग्रामर का रूल कहता है, ध्यान दीजिएगा आप लोग। चलिए हम यूज ऑफ वेरी और मच कल बताए थे, आज भी बताते चलते हैं, ध्यान दीजिएगा आप लोग, इसे लिख लीजिएगा वेरी प्लस पॉजिटिव डिग्री का एडजेक्टिव, है ना, और मच प्लस कंपैरेटिव डिग्री का एडजेक्टिव। ठीक, अगर आप एग्जांपल लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं वेरी गुड, ऐसे याद कर लीजिए इसे, और मच बेटर। ठीक, वेरी गुड और मच बेटर ये होगा, कभी भी वेरी बेटर नहीं होगा, कभी भी वेरी बेस्ट नहीं होगा। ठीक, कभी भी मच गुड नहीं होगा, कभी भी मच बेस्ट नहीं होगा, हमेशा मच के बाद कंपेरेटिव डिग्री का एडजेक्टिव आएगा। अगर आपका एग्जाम में आ गया वेरी बेटर, गलत हो जाएगा। अगर आपका के एग्जाम में आ गया वेरी बेस्ट, गलत हो जाएगा। अगर आपके एग्जाम में आ गया मच बेटर तो सही हो जाएगा, लेकिन आपके एग्जाम में आ गया मच गुड या मच बेस्ट तो गलत हो जाएगा, क्योंकि वेरी के बाद पॉजिटिव डिग्री के एडजेक्टिव का यूज करते हैं, जबकि मच के बाद कंपेरेटिव डिग्री के एडजेक्टिव का यूज किया जाता है। तो ये सारी चीज़ें क्या हो जाएंगी, आपकी गलत हो जाएंगी। बात क्लियर हो गई आप लोगों को, सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है, 39। क्वेश्चन नंबर 39 क्या है, द आल दो, सॉरी द आल नहीं, आल दोज स्टूडेंट्स, आल दोज स्टूडेंट्स, आल के बाद दोज लिखा हुआ है, और दोज के बाद दीज, और दोज के बाद आने वाला नाउन प्लोरल होता है, इसलिए यहाँ पे स्टूडेंट्स लिखा हुआ है, यानी कि आल दोज स्टूडेंट्स हु, जो वे सभी स्टूडेंट्स जो, और जब हु का मतलब जो निकलता है तो हु क्या होता है, एक प्रकार का रिलेटिव प्रोनाउन होता है, यानी कि हु के बाद जो वर्ब आ रही है, हु के बाद जो वर्ब आर आ रही है, वो किसके अकॉर्डिंग आ रही है, स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंग आ रही है। ठीक है, चूंकि यहाँ स्टूडेंट्स इसलिए आर आया है, अगर स्टूडेंट होता तो यहाँ पे इज आता। चलिए इज एम आर के बाद वर्ब की आई एन जी फॉर्म, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं इन द प्ले, इस प्ले में। अब ये हैव बीन आ गया है ना, अब एक बात देखिएगा आप लोग, यहाँ पर आल दोज स्टूडेंट्स के बाद एक आप लोग रूल लिख लीजिएगा, कभी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट आ जाए उसके बाद रिलेटिव प्रोनाउन आ जाए तो अगली वाली वर्ब तक आप सेंटेंस को ब्रैकेट में कर लेंगे। सेंटेंस में सब्जेक्ट के बाद जब भी रिलेटिव प्रोनाउन आ जाएगा तो अगली वर्ब तक आप ब्रैकेट में कर लेंगे, तो ये चीज़ें आपने ब्रैकेट में कर ली, तो आपको एक बात और समझ में आ गई, सब्जेक्ट है आल दोज स्टूडेंट्स और इसकी वर्ब है हैव, सब्जेक्ट है आल दोज स्टूडेंट्स और इसकी वर्ब है हैव, हैव बीन नोटिफाई। ये बताइए कभी भी नोटिफाई, हैव बीन के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है या तो आई एन जी फॉर्म आती है, कभी भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं आती है, या तो यहाँ आई एन जी फॉर्म आनी चाहिए या थर्ड फॉर्म आनी चाहिए, कभी भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज यहाँ नहीं करेंगे, अगर करते हैं तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है ना, अब कौन कौन से वर्ब ऐसे हैं जिनके बाद वर्ब की आई एन जी फॉर्म और थर्ड फॉर्म आती है, लिख लीजिएगा इसे आप लोग, वर्ब बी के बाद लिखिएगा आप, आफ्टर वर्ब बी, वर्ब बी, ठीक, वर्ब बी के बाद, वर्ब बी कौन कौन सी होती हैं आप लोग लिखिएगा, इज एम आर वाज वर, ठीक, बी खुद होता है, बीइंग होता है और बीन होता है, इनके बाद, ठीक है, इसके बाद लिखिएगा, इनके बाद कभी भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज नहीं करते हैं, कभी भी सेकंड फॉर्म का यूज नहीं करते हैं, ये इतनी वर्ब ऐसी हैं इनके बाद, इसे लिखिएगा आप लोग, इनके बाद किसका किसका यूज करते हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म या वर्ब की आई एन जी फॉर्म का यूज करते हैं। ठीक है,
और किसी का यूज हम नहीं करते हैं, का प्रयोग करते हैं। ठीक है, इज एम आर वाज वर्ब के बीन के बाद इनके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म या वर्ब की आईएनजी फॉर्म का यूज करते हैं। फिर लिखिएगा कि जब इनके बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म का यूज करते हैं तो ये सेंटेंस आने वाला सेंटेंस एक्टिव वॉइस में होता है, जबकि इज एम आर वाज वर्ब बी बीन बींग के बाद जब वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं तो वो वाला सेंटेंस वो क्या नाम है, अगर थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं इनके बाद तो पैसिव वॉइस में होता है, अगर आईएनजी फॉर्म का यूज करते हैं तो वो एक्टिव वॉइस में होता है। ठीक है ना, बातें क्लियर हो गई इतनी, आगे बढ़ते हैं, चीज़ें समझ में आ रही हैं तो हम नेक्स्ट बढ़ते हैं। देखिए स्टे बैक लिखा हुआ है ना, एक होता है स्टे अवे, अच्छा और पढ़ लेते हैं स्टे बैक फॉर रीहियर्सल, ये आपका पूछता है उसमें जो स्पेलिंग मिस्टेक आता है तो इसमें याद कैसे करते हैं, री को अलग याद करते हैं, री फिर हियर मीन्स सुनना हियर और फिर लिखते हैं सल एस ए एल, तो याद होता है री हियर सल। ठीक है ना, आफ्टर 3 PM 3 बजे के बाद, स्टे अवे एक होता है और एक स्टे ऑन होता है। ठीक है, दो फ्रेजल वर्ब स्टे से रिलेटेड मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ, स्टे अवे होता है एक, स्टे अवे का मतलब क्या होता है देखिएगा, स्टे अवे, ठीक है, स्टे अवे का मतलब होता है दूर रहना, किसी से दूर रहना के लिए हम किसका यूज करते हैं, किसी से दूर रहना इसके लिए हम स्टे अवे का यूज करते हैं। दूसरा स्टे ऑन, स्टे ऑन, स्टे ऑन का यूज कहाँ करते हैं, स्टे ऑन का मतलब होता है किसी काम को कंटिन्यू रखना, क्या होता है किसी काम को जारी रखना, इसके लिए हम किसका यूज़ करते हैं, स्टे ऑन का यूज़ करते हैं। बात इतनी क्लियर हो गई आप लोगों को, क्लियर हो गई हो तो सीजीएल का क्वेश्चन नंबर लास्ट चलते हैं हम 40 क्वेश्चन नंबर की तरफ। क्वेश्चन नंबर 40 है, आफ्टर इंटरिंग द टाउन गो स्ट्रेट एंड देन टेक ए शार्पेस्ट टर्न टूवर्ड्स योर लेफ्ट टू रीच द मॉल। देखिएगा ध्यान से, आफ्टर, आफ्टर के बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म आई है, इसका मतलब क्या है, आफ्टर यहाँ पर एक प्रकार का प्रीपोजिशन है, जब भी आफ्टर के बाद सब्जेक्ट और वर्ब आएगी तो वहाँ आफ्टर कंजंक्शन होगा और वो दो सेंटेंस को जोड़ने का काम करेगा। यहाँ पे सेंटेंस की शुरुआत में आया है, एक प्रकार का प्रीपोजिशन है और चूंकि प्रीपोजिशन के बाद यदि वर्ब आती है तो वर्ब की आईएनजी फॉर्म का यूज करते हैं, इसलिए हम इसकी इसके बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म का यूज कर रहे हैं। एक मिनट मैं माइक लगा लूँ फिर से, ठीक है, इनके बाद किसका यूज करते हैं, वर्ब की आईएनजी फॉर्म का यूज करते हैं। आगे एक चीज और देखते हैं, यहाँ पे देखिएगा ध्यान से, इंटरिंग द टाउन के बाद क्या लिखा हुआ है, गो स्ट्रेट, गो के बाद स्ट्रेट आया है, स्ट्रेट एक प्रकार की मतलब एडजेक्टिव और एडवर्ब दोनों होता है, स्ट्रेट हार्ड और फास्ट एडजेक्टिव और एडवर्ब दोनों होते हैं, अभी मैं बताता हूँ आप लोगों को। एंड टेक, गो स्ट्रेट ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई है, गो और एंड के बाद, एंड देन के बाद भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई है, चीज़ें सही लिखी गई हैं, एंड से एक सेंटेंस जोड़ा गया वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वाला कि स्ट्रेट जाओ और टेक ए शार्पेस्ट टर्न। अब शार्प की सुपरलेटिव डिग्री है शार्पेस्ट और चूंकि हम जानते हैं सुपरलेटिव डिग्री के पहले आर्टिकल द का यूज करते हैं इसलिए यहाँ पर ए नहीं होगा, यहाँ आर्टिकल द का यूज होगा और हो जाएगा टेक द शार्पेस्ट टर्न, यहाँ पर ए की जगह क्या हो जाएगा आपका द हो जाएगा, टेक द शार्पेस्ट टर्न टूवर्ड्स योर लेफ्ट टू रीच द मॉल। ठीक है, एरर समझ में आ गया आप लोगों को, चलिए मैं दिखाता हूँ आप लोगों को और चीज़ें। गो स्ट्रेट, स्ट्रेट, गो स्ट्रेट का मतलब सीधे जाओ, है ना, गो स्ट्रेट का मतलब हो गया सीधे जाओ। एक बात देखिएगा आप लोग, स्ट्रेट कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जो एडजेक्टिव और एडवर्ब दोनों का काम करते हैं, जैसे कि स्ट्रेट, हार्ड और फास्ट। ठीक है, ये एडजेक्टिव और एडवर्ब दोनों का काम करते हैं, हमने बताया था आप लोगों को, जब हम लिखते हैं हार्ड वर्क तो यहाँ वर्क क्या होता है, यहाँ वर्क होता है नाउन और नाउन के पहले हार्ड लिखा हुआ है, ये क्या है एडजेक्टिव, कठिन कार्य, जबकि इसी को अगर हम यहाँ लिखें वर्क हार्ड, ठीक, एक लिखिए हार्ड वर्क और एक लिखिए
वर्क हार्ड, वर्क हार्ड का मतलब कठिन परिश्रम करो, यानी कि वर्क यहाँ काम करने के अर्थ में यूज हो रहा है। और इस काम करने की विशेषता है कि कैसा काम करना है, कठिन काम करना है, यानी कि काम करना, वर्क, काम करो, हार्ड, वर्क हार्ड, ठीक है। यू विल सक्सीड इन योर लाइफ। अब देखिए, कठिन परिश्रम करो तो तुम पास हो जाओगे, अपनी लाइफ में सफल हो जाओगे। यहाँ पे हार्ड जो है वो एडवर्ब का काम कर रहा है, ये वर्क की विशेषता बता रहा है। यहाँ वर्क का मतलब काम करना है, ठीक है। तीसरी बातें देखते हैं, फास्ट और फास्टली। तो पहली बात देखिएगा, फास्टली कोई वर्ड नहीं होता है, ठीक है, फास्टली कोई वर्ड नहीं होता है। ये देखिए, हम फास्टली लिख रहे हैं तो नीचे देखिए रेड कलर का आ जा रहा है। लैपटॉप में भी, इसकी डिक्शनरी में भी फास्टली कहीं नहीं। आप जा करके गूगल पे फास्टली सर्च करेंगे, आपको फास्ट दिखाई देगा, ठीक है। तो जब कभी भी एग्जाम में आपके फास्टली आ जाए तो ध्यान रखिएगा, फास्टली कोई एडवर्ब नहीं होता है, फास्ट एडजेक्टिव भी होता है और फास्ट एडवर्ब भी होता है। जैसे अगर हम लिखते हैं फास्ट बॉलर, तो यहाँ बॉलर की विशेषता है कि वो गेंद को तेज फेंकता है। यहाँ फास्ट जो है वो बॉलर नाउन है, और विशेषता बताने के लिए फास्ट का यूज किया गया। ये हो गया आपका एडजेक्टिव, नाउन की विशेषता बताने के लिए एडजेक्टिव का यूज करते हैं। अगर लिखा गया रन फास्ट, तेज दौड़ो, तो रन का मतलब दौड़ना, वर्ब हो गई, और वर्ब की विशेषता बता रहा है कि कैसे दौड़ना है, फास्ट दौड़ना है। अब यहाँ पे फास्ट क्या हो गया, एडवर्ब हो गया। अब यहाँ पे फास्ट क्या हो गया, आपका एडवर्ब हो गया, ठीक है ना। तो ध्यान रखना है, फास्ट एडजेक्टिव और एडवर्ब दोनों होता है, फास्टली कोई वर्ड नहीं होता है। अगर आया है तो एग्जामिनर आपसे एरर पूछ रहा है, वहाँ गलती है, वहाँ आपको एरर लगा के आना है, आपको वहाँ पे नंबर मिलने वाला है, ठीक है। बातें इतनी आप लोगों को समझ में आ गई हो तो आज सीजीएल का जो एरर का क्वेश्चन है वो सारा कंप्लीट हो चुका है। कल आप लोगों को जो सॉल्व कराया जाएगा वो फिल इन द ब्लैंक्स सॉल्व कराया जाएगा, ठीक है। और आगे आने वाली वीडियो जो है वो शाम को 8 बजे आप लोगों के लिए अपलोड की जाएंगी, ठीक। तो बस इस तरीके से आप लोग पढ़ते रहिए, डेली 8 बजे की का टाइम रहेगा, वो 8 बजे आप लोगों के लिए वीडियो जो है वो अपलोड हो जाएंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा जा करके शेयर कर दीजिए, आप लोग शेयर नहीं करते हैं, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक, सब जगह लगाइए आप लोग, अपने स्टेटस पे, फेसबुक पे पोस्ट कीजिए, सारी चीज़ें फैलाइए वीडियो को। डेली वीडियो जब पढ़ने वाली हैं आप लोगों को लग भी गया होगा, ठीक है। और रोज़ वीडियो जो है वो आप लोगों के लिए 8 बजे अपलोड हो जाएंगी। तो थैंक यू, वीडियो को शेयर करें, अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें और शेयर करना ना भूलें, बहुत ज़रूर से ज़रूर शेयर कर दें। धन्यवाद, थैंक यू।